हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब नई वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लिबर ऑफिस को ओपन कैसे करना है, उसकी जो विंडोज़ हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट लिबर ऑफिस। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये हो गया स्टार्ट बटन, यहाँ क्लिक करेंगे जो विंडोज़ 10 है तो थोड़ा फंक्शन भी चेंज होते हैं। और देखिए ऊपर लिबर ऑफिस का ये आइकन रिसेंटली में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप ड्रैग करके नीचे आएं या स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं और यहाँ देखिए लिबर एल ये दिख रहा है आपको, ये रहा लिबर पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आपके सामने कई ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे एक दे रखा है लिबर ऑफिस राइटर, इस समय हम किस पे वर्क कर रहे हैं, लिबर ऑफिस राइटर पे। तो हम लिबर ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने लिबर ऑफिस राइटर ओपन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, सर्च स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में होता है सर्च बटन, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिबर। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है कि देखिए लिबर ऑफिस राइटर, लिवर ऑफिस कैल्क, बेस मैथ, लिवर ऑफिस ड्रॉ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लिवर ऑफिस राइटर को ओपन करना है। तो हम लिवर ऑफिस राइटर को क्लिक करेंगे, देखिए ईजली आप इस पर पहुंच गए लिवर ऑफिस को, क्योंकि एम एस ऑफिस में करा था आपको बहुत ईजली आप कर सकते थे। लिवर ऑफिस भी करना चाहिए क्यों, ओपन सोर्स है और आपके सिलेबस में लिवर ऑफिस पे ही दे रखा है, इसलिए मुझे लिवर ऑफिस पे ही ये वीडियो आपको क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके फंक्शन भी लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो वो क्या क्या डिफरेंट है, बेसिकली आपको इतना टफ नहीं लगेगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो आपको बताई थी उसमें बताया था कि टाइटल बार क्या होता है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है अनटाइटल वन लेबर ऑफिस, दैट इज़ द टाइटल बार, सेम ही होता है सब में, जहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का बटन होता है। इसके जस्ट नीचे दे रखा है मेन्यू बार, जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल्स दे रखे हैं, दैट इज मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे दे रखा है जहाँ पे कंट्रोल प्लस है, ओपन से ऑप्शन दे रखे हैं, इमेजेस दे रखी हैं, इसका मतलब है दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद इसके जस्ट नीचे दे रखा है ये फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में हमें वर्ड्स पे, डॉक्यूमेंट पे कुछ भी एडिट करना हो तो मैं इस पे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, कि आप इसमें वर्ड्स के ऊपर जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे दे रखा है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये देखिए पेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ये दे रखा है स्टेटस बार, जहाँ पे पेज नीचे जो दिया हुआ है दैट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार में देखिए आपको मेंशन है पेज वन ऑफ वन, एक ही पेज ओपन है उसमें कितने पेजेस हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आप किस पेज पे हैं वो भी स्टेटस बार में शो होगा, उसके अलावा कितने वर्ड्स आपने लिखे और कितने कैरेक्टर्स का यूज किया है वो भी शो होगा, डिफॉल्ट स्टाइल जो भी आपने यूज कर रखा है वो डिफॉल्ट स्टाइल, इंग्लिश का जो भी आपने यूज किया है लैंग्वेज वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्शन दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट दे रखा है जूम बटन, जूम को आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आप जूम कर सकते हैं पेज को, वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट साइड में आपको एक स्लाइड बार कहते हैं, साइड बार सेटिंग, साइड बार सेटिंग में आप जैसे प्रॉपर्टीज़, पेजेस, स्टाइल के एक अलग से एक ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हम जाते हैं मेन्यू बार में, मेन्यू बार के फंक्शंस को देखेंगे। बेसिकली सेम फंक्शन है, अगर आपने एम एस ऑफिस का वर्ड यूज कर रखा हो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें फंक्शंस लगभग सेम है।
जैसे न्यू का ऑप्शन दे ही रखा होता है तो न्यू आपके सामने है। देखिए ये इस तरह का एरो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस तरह का एरो आपको जिस वर्ड के सामने दिखाई दे रहा है इसका कहते हैं कि हम जब फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं तो उसके साथ उसके सब मेन्यूज भी ओपन होते हैं। ये सर इनको हम कहते हैं सब मेन्यूज। इन सब मेन्यूज के अंदर भी सब मेन्यूज होती है, जहाँ पे ये एरो बटन है उसका सब मेन्यूज ये ऑप्शन दे रखा है, और जहाँ पे डॉट का ऑप्शन दे रखा है, देखिए थ्री डॉट्स दे रखे हैं, यहाँ ओपन के बाद थ्री डॉट्स हैं, ओपन रिमोट के बाद थ्री डॉट्स हैं, जिसका मतलब है कि इसके से आप किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस जस्ट नीचे दे रखा है क्लोज बटन, अगर इस फाइल को आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाना है तो आप टेम्पलेट्स में भी जा सकते हैं, अगर आपने कोई पहले से कोई टेम्पलेट सेव कर रखा है तो उस टेम्पलेट को भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव कंट्रोल प्लस एस, शॉर्टकट कीज भी आपको सामने साथ में दे रखी हैं, इन शॉर्टकट कीज को जरूर ध्यान से देखिएगा कि इन शॉर्टकट की का यूज़ आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे। सेव एज को ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंस क्या होता है सेव एंड सेव एज में, अब इसमें दे रखा है लिबर ऑफिस में सेव रिमोट, सेव अ कॉपी या सेव ऑल, ये ऑप्शन तब ओपन हो जाएगा जब हम यहाँ पे किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 9, ठीक है क्लास 9 आपने लिखा, अब आप देखें यहाँ से हम करते हैं सेव है, अब देखिए ओपन करते ही ऑप्शन दिख रहा है सेव ऑल। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में स्टूडेंट यहाँ एक फीचर एडवांस दे रखा है, अगर आप वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली बाकी सब में प्रॉपर्टीज में जाके आप उसको चेंज करते थे, लेकिन आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज या पीडीएफ, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ या एक्सपोर्ट एज ईपब, जिस ऑप्शन में करना है यहाँ से सेंड, किसको फाइल सेंड करनी है वो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू आपको ब्राउजर में देखना है, प्रीव्यू जैसी डॉक्यूमेंट ईमेल करना है, वर्ड में भेजना है, ईमेल एज या पीडीएफ भेजना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर प्रिंट प्रीव्यू, इसकी भी शॉर्टकट की आपके सामने मेंशन है, शॉर्टकट कीज़ को स्पेशली कह रहा हूँ कि शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है पी प्रिंट, प्रिंट ऑप्शन का यूज भी आपको पता है यहाँ से कैसे करते हैं, तो एक एक स्टेप वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बताऊँगा कि कैसे इन सब का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर इनकेस आपको डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज भी करना है तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज भी कर सकते हैं। लेबर ऑफिस के अंदर कुछ फीचर्स आपको एडवांस दे रखे हैं, इन फीचर्स का यूज़ आप कैसे करेंगे ये भी है। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है दे वर्ड की, जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होती क्योंकि एमएस वर्ड में हम शॉर्टकट की यूज करते थे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन का यूज करते थे तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाता था, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो लिख के भी आपको दिखा देता हूँ, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस लेन, इस फंक्शन का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है सर। ठीक है, इसलिए आप इसमें मत रहिए कि ये फंक्शन यहाँ पे यूज, आपको सिंपली यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो हम प्रोटेक्ट का मतलब है हम इसमें पासवर्ड कैसे लगाएंगे, तो पासवर्ड लगाना सीखेंगे आज कि फाइल ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, क्या
कि हमें किसी भी नाम से इस फाइल को सेव करना है। मैंने यहाँ से इस फाइल को दे रखा है क्लास के नाम से, मैंने सेव किया। फिर नीचे दे रखा है सेव विद पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव विद पासवर्ड। सेव एज टाइप का मतलब होता है कि आपको किस टाइप में इस फाइल को चाहिए, वर्ड की फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। 2007/365 फॉर्मेट होता है, एक 2007 टेम्पलेट्स का फॉर्मेट होता है, 97/2003 का फॉर्मेट है। तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉर्मेट होता है बताया था एक्सटेंशन .odt, जिसको हम कहते हैं ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। पासवर्ड सेव करना है तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर इसके ऊपर दे रखा है कि आप यहाँ पे फाइल का नाम मेंशन करेंगे। फिर आपको अगर लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने USB ड्राइव के अंदर IT नोट्स में क्लास 9 की लोकेशन दे दी, तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स में फाइल को ऑलरेडी सेव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आप सेव करूँगा। सेव करने के बाद देखिए इसमें आपके सामने एंटर पासवर्ड टू ओपन और कन्फर्म पासवर्ड, इसका मतलब है कि हम इस डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम इस पासवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले एंटर करेंगे पासवर्ड, फिर आपसे पूछता है कंफर्म योर पासवर्ड, कंफर्म करेंगे सेम पासवर्ड और देन ओके। आपकी फाइल प्रोटेक्ट हो चुकी है। चलिए चेक करते हैं, रन करते हैं इसे, डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं। वापस हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ देखें, क्लास नाम से मैंने फाइल बनाई थी, क्लास को हमने क्लिक किया लिवर ऑफिस में। देखिए लिवर ऑफिस डायरेक्टली आपके सामने ओपन हो गया है और ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। दोबारा जाते हैं 123, मैंने इसका पासवर्ड डाला था, ओके करते हैं। देखिए आपकी फाइल ओपन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक थैंक यू।